हदीस शरीफ के अंदर आता है कि एक शख्स ने 99 कत्ल किए, 99 कत्ल करने के बाद उसको कुछ होश आया कि भाई तूने तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, तुझे अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। चुनांचे वो किसी राहिब के पास गया, यानी ईसाई पादरी के पास गया और जाकर अर्ज़ करने लगा कि हज़रत मैंने 99 कत्ल कर दिए हैं, क्या मेरी माफ़ी का और मेरी बख्शिश का कोई रास्ता है? उन पादरी साहब ने कहा, कातिल जालिम जाबिर दूर हो जा, 99 कत्ल करने के बाद अब माफ़ी मांगने आ गया, जा तेरी कोई माफ़ी नहीं है। वो शख्स कहने लगा कि अच्छा जब ऐसी बात है और मेरी माफ़ी का कोई रास्ता नहीं है, मैं बख्शा नहीं जाऊंगा, तो आ तू भी आ, सोहने में एक की कमी है, मेरी सेंचुरी पूरी हो जाएगी। चुनांचे उसने उस राहिब को भी कत्ल कर दिया। अब उसने पूरे 100 कत्ल कर दिए, मगर फिर उसके दिल में बात आई कि कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, इन्नी लगफ़ारुल लिमन ताब व आमन व अमिल सालिहा, और दूसरी जगह फरमाया, या इबादियल्लज़ीन असरफू अला अन्फुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीअ इन्नहू हुवल गफूरुर रहीम। ए मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया है, तुम मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना, बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो उसके दिल में बात आई कि मेरी माफ़ी का ज़रूर कोई ना कोई रास्ता होगा। चुनांचे फिर वो किसी अल्लाह वाले के पास गया और उनसे जाकर अर्ज़ किया कि इस तरह मैंने 99 कत्ल कर लिए थे, उसके बाद मैंने एक पादरी को भी कत्ल कर दिया, तो क्या मेरी बख्शिश का कोई रास्ता है? तो उन अल्लाह वालों ने कहा कि हाँ हाँ, तुम्हारी बख्शिश का भी रास्ता है, क्यों नहीं माफ़ किए जा सकते हो? चुनांचे उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, इस बस्ती को छोड़ दीजिए और उस फुला बस्ती के अंदर चले जाइए, वहाँ आपको अल्लाह वालों की एक जमात मिलेगी, उनसे जाकर अपनी इसलाह कराना। चुनांचे ये शख्स इस बस्ती से चल दिया ताकि अल्लाह वालों से जाके मुलाकात करें और उनसे अपनी इसलाह कराएं। हदीस शरीफ के अंदर आता है कि रास्ते ही के अंदर इस शख्स का इंतकाल हो गया, जन्नत वाले फरिश्ते भी आ गए, जहन्नुम वाले फरिश्ते भी आ गए। जन्नत वाले फरिश्तों ने कहा, हम इसको जन्नत में लेकर के जाएंगे, क्योंकि तौबा के इरादे से अपने बस्ती को छोड़कर चल दिया था और अपने गुनाहों पर ये शर्मिंदा था, नादिम था, और तौबा इसी का नाम है कि इंसान अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा हो जाए। जहन्नुम वाले फरिश्तों ने कहा कि हम इसको जहन्नुम में लेकर के जाएंगे, क्योंकि इसने अभी तौबा नहीं की थी और इसने 100 कत्ल किए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, फरिश्तों ज़रा जल्दी ना करो, ज़मीन को माप लो, अगर कत्ल वाला इलाका करीब हो तो इसको जहन्नुम में डाल देना, अगर अल्लाह वालों की बस्ती नज़दीक हो तो इसको जन्नत में डाल देना। हदीस शरीफ के अंदर आता है कि अल्लाह वालों की बस्ती दूर थी और कत्ल वाला इलाका करीब था, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन से फरमाया, ज़मीन ज़रा सुकड़ जा, इसलिए कि अब मैं माफ़ करने पर आ गया हूँ, और कत्ल वाले इलाके को दूर कर दे और अल्लाह वालों की बस्ती को नज़दीक कर दे, मैं बख्शने पर आ गया हूँ। हदीस शरीफ के अंदर आता है कि कत्ल वाला इलाका दूर हो गया और अल्लाह वालों की बस्ती नज़दीक हो गई, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी पर उसको बख्श दिया। मेरे दोस्तों, किसी ने सच कहा है, रहमत हक बहाना मिजोयत, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत तो बहाने तलाश करती फिरती है।
कि किस तरह मैं अपने बंदों को माफ करूं, मुझे कोई बहाना मिलना चाहिए। कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, अल्लाह तुम्हें अज़ाब देकर क्या करेगा अगर तुम ईमान लाओ और शुक्रगुजार बंदे बनो। खुदा की कसम, एक माँ अपने बेटे से इतना प्यार नहीं करती है जितना प्यार वो अल्लाह अपने इस नापाक और गुनाहगार बंदे से करता है।